नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 8 अप्रैल को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के विषय में बात करने वाले हैं। 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण कब लग रहा है, इसका सही समय क्या होगा, सूतक काल कब से लेकर कब तक चलेगा, यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा और इस ग्रहण की क्या क्या विशेषता होने वाली है, इन सभी के विषय में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, सूर्य ग्रहण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। वैज्ञानिकों के आधार पर जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है तो ऐसे में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता है, जिस वजह से पृथ्वी से सूर्य का कुछ हिस्सा काला दिखाई देता है और इसे ही ग्रहण कहा जाता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार राहु और केतु के ग्रास के द्वारा सूर्य ग्रहण लगता है और यह बेहद अशुभ माना जाता है। कहा जाता है हमें सूर्य ग्रहण के टाइम में किसी भी प्रकार के शुभ कामों से बचना चाहिए। ऐसे में सूर्य ग्रहण का समय और सूतक काल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं 8 अप्रैल को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण किस प्रकार का होने वाला है। दोस्तों, 8 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण एक पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि टोटल सोलर इक्लिप्स होगा। इस ग्रहण के दौरान सूर्य का संपूर्ण हिस्सा कुछ सेकंड के लिए ढक जाएगा। ऐसे में कई सारे देशों में दिन के समय में अंधेरा हो सकता है। दोस्तों, यह ग्रहण एक पूर्ण सूर्य ग्रहण है, ऐसे में इसमें सूतक काल भी मान्य होगा। सभी दर्शकों के जानकारी के लिए बता दें कि सूतक काल वह समय है जो सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है, जबकि यह चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले शुरू होता है। सूतक काल के शुरू होने के बाद देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान सभी प्रकार के शुभ काम जैसे कि शादी विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, किसी नए वाहन की खरीदारी, इस तरह के सभी कामों की मनाही होती है। कहा जाता है हमें इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कामों से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आपको ग्रहण का सही समय पता है तो आप उसमें से 12 घंटे घटा करके सूतक काल का समय निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, ग्रहण के समय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा। दोस्तों, यह ग्रहण वेस्ट इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और आर्कटिक में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, हालांकि इसका कुछ आंशिक प्रभाव भारत पर भी रह सकता है। चलिए जानते हैं अब ग्रहण के समय के विषय में। दोस्तों, 8 अप्रैल 2024 को पड़ने वाला ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को रात 9:12 से शुरू हो जाएगा और इस ग्रहण की समाप्ति 9 अप्रैल 2:22 सुबह में होगी, यानी कि 8 अप्रैल के रात को ही 2:22 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इस ग्रहण का सूतक काल ठीक 12 घंटे पहले 8 अप्रैल के सुबह में 9 बजे से शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।